हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो उन पैसेंजर्स के लिए है जो बिलासपुर से मध्य प्रदेश की यात्रा करते हैं, या ये कहा जाए कि बिलासपुर से कटनी, जबलपुर, इटारसी, भोपाल वाले रूट में ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करने वाली 45 ट्रेन्स में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेन दुर्ग भोपाल अमरकंटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब बिलासपुर जंक्शन नहीं आएगी। रिसेंटली एक खबर आती है जिसके अकॉर्डिंग SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अपनी एक डेली रनिंग सुपरफास्ट ट्रेन को इस पूरे रूट के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन के हॉल्ट को ही हटा देती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कोई ट्रेन दुर्ग या रायपुर से चलकर अनूपपुर या कटनी की ओर जाती है तो उसका रिवर्सल यानी लोकोमोटिव चेंज करना पड़ता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में इंजन चेंज होना भी बोलते हैं। जब किसी ट्रेन का इंजन चेंज होता है तो वो जिस डायरेक्शन से आ रही होती है उसी डायरेक्शन में इंजन चेंज होने के बाद फिर बढ़ जाती है। इसका मतलब जो इंजन ट्रेन के सामने की तरफ लगा था उसे अब ट्रेन के पीछे की तरफ लगा दिया जाता है। रेलवे के अकॉर्डिंग ये एक लंबा प्रोसीजर है जिसके लिए ट्रेन को एटलीस्ट 10 मिनट स्टेशन में हॉल्ट देना पड़ता है। कहने को तो ये सिर्फ 10 मिनट होता है, पर अक्सर जिन स्टेशन में लोकोमोटिव चेंज होता है वहाँ ट्रेन 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक खड़ी रह जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए रेलवे रिवर्सल खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जिस भी शहर में कोई सेकंड स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन को रिवर्सल किए बिना हॉल्ट किया जा सकता है, वहाँ पर ट्रेन को डाइवर्ट किया जा रहा है। इससे रेलवे को भी फायदा होता है और यात्रियों का समय भी बचता है। इन फायदों को देखते हुए रेलवे एक बड़े नुकसान के बारे में भूल जाती है जो उस शहर या उस स्टेशन के करीब रहने वाले पैसेंजर्स को होता है। बहुत सारे लोग किसी एक ट्रेन पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि कोई एक ट्रेन उनकी डेली रूटीन का पार्ट होता है। अगर उस ट्रेन को ही उनके स्टेशन से छीन लिया जाए तो उनकी डेली रूटीन चैलेंजिंग हो जाती है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही बिलासपुर वासियों के साथ भी होने वाला है। उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेन अमरकंटक एक्सप्रेस अब उनके स्टेशन नहीं आएगी। इससे बिलासपुर से जबलपुर, इटारसी और भोपाल जाने वाले यात्रियों को तो तकलीफ होगी ही, पर उन डेली ट्रेवलर्स को भी तकलीफ होगी जो शाम को दुर्ग, भिलाई और रायपुर से अपने घर बिलासपुर लौटते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसी वीडियोस डेली देखने को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।